दोस्तों अपना प्यारा भारत ग्लोबल रैंकिंग के अकॉर्डिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों में 17 रैंक पर आता है, लेकिन सिर्फ एशिया की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है। आज भारत की टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दुनिया में 170 से अधिक देशों में अपने टायर को एक्सपोर्ट करती है। ग्लोबल मार्केट में मेड इन इंडिया टायर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। अभी की बड़ी खबर यह है कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 30 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भारत की 5 कंपनियां शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की कौन सी 5 कंपनियां टॉप 30 कंपनी के लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भी ATMA ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसको भी हम जानेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया अफेयर्स, मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों ATMA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की अपोलो, MRF, JK टायर, सीएट टायर और बालकृष्णा इंडस्ट्री ये वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में शामिल है। इस लिस्ट में अपोलो 13 रैंक पर है, MRF 14 रैंक पर है, JK टायर 90 रैंक पर है, सीएट टायर 22 रैंक पर है और बालकृष्णा इंडस्ट्री 27 रैंक पर है। इस लिस्ट में टॉप कंपनी में ब्रिजस्टोन जैसी कंपनियां हैं। गाइस आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग टायर की जरूरत भी बढ़ेगी, और फिलहाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब लोग सिर्फ डीजल या पेट्रोल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर रुख कर रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर जोर दे रही है, इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन टायर इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर डीजल पेट्रोल व्हीकल, टायर तो हर व्हीकल में चाहिए। कुल मिलाकर टायर इंडस्ट्री पूरी तरह से सेफ है और लगातार ग्रो कर रही है। भारत की बात करें तो 2010 में इंडिया की टायर इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू 30,000 करोड़ रुपया थी, लेकिन 2018 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू 60,000 करोड़ रुपया हो चुकी थी, यानी कि जस्ट डबल। इसमें भी अगर शेयर की बात करें तो ज्यादातर शेयर JK टायर, MRF टायर, अपोलो टायर इन कंपनियों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर है, और मार्केट का 60% से ज्यादा शेयर इन्हीं के पास है, जो कि इन कंपनियों को भारत की टॉप कंपनी में गिना जाता है। इसलिए आज इनके टायर 170 से ज्यादा देशों को सप्लाई किए जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो अमेरिका में 19%, जर्मनी में 7%, ब्राजील में 6%, यूनाइटेड किंगडम में 4% और फ्रांस में भी 4%। इसके अलावा भी कई देश हैं जहां पर मेड इन इंडिया टायर एक्सपोर्ट किया जाता है। साल 2022 में भारत की टायर एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग $9 बिलियन तक थी, लेकिन CNBC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की टायर इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में यानी कि 2030 तक $22 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि इसके डबल से ज्यादा ग्रो करेगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सालाना 66 से ज्यादा कंपनियां लगभग 17 करोड़ टायर प्रोडक्शन करते हैं। अभी भारत में टायर इंडस्ट्री पर जोर दिया जा रहा है, तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है और आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन सारे रिपोर्ट को देखते हुए फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है टायर इंडस्ट्री में नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़, कार्बन, कार्बन कंपाउंड, सल्फर इन कंपनियों की भी जरूरत होती है। भारत में जो भी कंपनियां इन सारे चीजों को बनाती है उनकी डिमांड भी काफी बढ़ेगी, मतलब इन छोटी कंपनियों में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर टायर कंपनी ग्रो करेगी तो इनडायरेक्टली इन टायर कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली लोकल कंपनियां जितनी भी है उनका भी ग्रोथ बढ़ते रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देने से आप पूरा अमीर बन जाएंगे, आपको कई गुना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बल्कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क होता है ये तो आप सभी जानते हैं। तो कोई भी अच्छा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है वो उसके आने वाले 10 साल का डिटेल चेक करता है, कई सारी रिपोर्ट के माध्यम से उस कंपनी के बारे में समझता है कि ये कंपनी आगे कितना ग्रो करने वाली है, इसका डिमांड खत्म तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है उसका डिमांड लगातार बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रुख कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 10 साल में अगर उस कंपनी के शेयर का वैल्यू अगर 1,000 रुपया है आज के टाइम में तो 10 साल बाद वो 6,000-5,000 भी हो सकता है। तो जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्पस से भी ये सब टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा आप एक भारतीय हैं तो आपको भारत के ग्रो के बारे में जानना चाहिए कि कैसे भारतीय कंपनियां आज ग्रो कर रही है। तो दोस्तों ये थी भारत की टायर इंडस्ट्री की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत के टायर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।